नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेष राशि वालों। दोस्तों, राम और सीता की तरह रहेगी आपकी जोड़ी, कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। जी दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। जी दोस्तों, राम और सीता की तरह आपकी जोड़ी कैसे रहेंगी, या ऐसे में आपको आपका साथी का प्यार कैसे मिलेगा, इन्हें सभी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर दिखेगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो में बताई गई हर एक छोटी सी बात आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, इसलिए दोस्तों इन्हें आप मिस ना करें और अंत तक देखें। उससे पहले दोस्तों, जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखेगा, गुरु जी का और माता रानी का शीर्ष आशीर्वाद प्राप्त करेगा, तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, यश में किसी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के सानिध्य में आपकी विचारधारा में सकारात्मक परिवर्तन आएगा तथा जीवन से जुड़े प्रत्येक कार्य को करने का बेहतरीन नजरिया भी आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, यश में आपकी आर्थिक स्थिति भी अति उत्तम रहेगी। इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों अपनी महत्वपूर्ण वस्तुएं तथा दस्तावेज यश में संभाल कर रखें, खोने पर जो है इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, तो दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, आपको बता दें कि जिसका नकारात्मक प्रभाव आपके स्वाभिमान पर भी पड़ सकता है, बच्चों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें, इससे उनमें सुरक्षा की भावना उपजेगी। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि मन में यश में तरह तरह के विचार आने की वजह से आपकी एकाग्रता में भी कमी रहेगी। दोस्तों, किसी भी विषय में या फिर काम को पूरा करने की आपकी जो इच्छा होने के बावजूद भी आप उस पर यश में ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो दोस्तों इनसे सावधान रहें, इनसे बच कर रहें। यश में खुली हवा में या फिर निसर्ग में बिताया गया समय आपके मन को प्रसन्नता देगा। परिवार संबंधी झगड़े को मिटाने की कोशिश आपके द्वारा यशमय हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों, यशमय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि यशमय किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह आपके लिए बहुत ही भाग्योदयदायक रहेगी, इसलिए दोस्तों यशमय उनकी किसी भी बात को जो किसी भी बात की अवहेलना ना करें। महिलाओं के लिए जो दिन होंगे उत्तम और लाभदायक दिन होंगे। दोस्तों, हर परिस्थिति में उन्हें सामना करने का हिम्मत और साहस भी यशमय प्रदान करेगा। दोस्तों, साथ ही कभी कभी कुछ संबंधियों के प्रति नकारात्मक विचार भी आपके मन में आ सकते हैं, परंतु दोस्तों यश में जो है मन स्थिति पर काबू रखें तथा संबंधों को खराब होने से बचाएं, ये आपके लिए यश में बेहतर रहने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपको मिल रहे पेशे का निवेश करने की आपकी योजना और बेहतर बनाने की कोशिश आपके द्वारा की जाएगी, जिसकी वजह से भविष्य में आपको बड़ा फायदा भी यश में मिल सकता है। फिलहाल दोस्तों, अपने काम से थोड़ा ब्रेक लेकर परिवार के साथ अधिक वक्त बिताने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि यश में आप कार्यस्थल में बड़ा धन लाभ को भी प्राप्त करने वाले हैं। पिछले कुछ समय से नजदीकी लोगों के साथ चल रही गलतफहमी का भी यश में निवारण होगा तथा आपसी संबंध भी यश में ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, किसी प्रिय मित्र की सलाह से आशाएं और उम्मीदें की नई किरण भी यश में उदय होगा। इसके उपरांत दोस्तों, अगर संपत्ति के बंटवारे संबंधी कोई भी विवाद चल रहा है तो दोस्तों किसी की मदद द्वारा हल होने की उचित समय आ गया है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में अपनी जो है मानसिक स्थिति को सकारात्मक बनाए रखने का प्रयास करें। बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय यश में ना लें, कोई भी काम यश में ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। युवा वर्ग भी प्रेम प्रसंगों में पढ़कर अपने अध्ययन और फिर करियर के साथ किसी प्रकार का समझौता ना करें, अन्यथा भविष्य में इनका नकारात्मक परिणाम भी आपके ऊपर हो सकता है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों, कायदे संबंधी कोई जानकारी पूरी न मिलने की वजह से आपके अंदर डर बन रहा है। दोस्तों, यश में किसी भी व्यवहार को करते समय उससे जुड़े व्यक्ति से सलाह लेकर निर्णय लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों, लेकिन निर्णय के लिए पूरी तरह से उन पर निर्भर भी ना रहें, ये भी आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों, सामाजिक दायरा और अधिक विस्तृत होगा। पारिवारिक गतिविधियों में भी यश में कुछ व्यवस्था बनी रहेगी। घर के सदस्यों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना उन्हें सुरक्षा की भावना प्रदान करेगा।
जरूरतमंद लोगों की सहायता करना आपको जो है आत्मिक खुशी भी यश में देने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि निवेश संबंधी किसी भी कार्य को करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल अवश्य कर लें, क्योंकि दोस्तों यश में आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा अनुकूल नहीं है। अगर कर्ज व फिर लोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो दोस्तों पहले अपनी लिमिट का आप अवश्य ध्यान रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि आपको मिल रही सहायता और प्राप्त हो रहे जो है स्रोत का आप उचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको भविष्य में पछतावा भी हो सकता है। दोस्तों यश में आपको क्या करना है कि अपने वक्त को अधिक से अधिक काम पर ही लगाने की आपको कोशिश करना है। और दोस्तों आप बेकार की बातों में अपना वक्त को बर्बाद इसमें कर रहे हैं, तो इन पर भी ध्यान दें और अपने वक्त को बचाएं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में कार्य क्षेत्र में अपने कर्मचारियों की सलाह पर ध्यान दें, उनका योगदान आपके व्यावसायिक कामों को पूरा करने में भी यश में मददगार रहेगा। लेकिन दोस्तों धन के लेन देन संबंधी कार्यों में यश में सावधान रहें। कोई कर्मचारी अपना टारगेट पूरा करने के लिए आपसे धोखाधड़ी भी कर सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि तेज मंदी और शेयर्स में भूलकर भी पैसा ना लगाएं, क्योंकि दोस्तों अभी समय उचित नहीं है। दोस्तों अपने प्रतिनिधियों की गतिविधियों तथा हरकतों पर भी पैनी नज़र रखें, बेहतर होगा कि दोस्तों सभी निर्णय आप स्वयं ही लें, ये आपके व्यवसाय के लिए समय बेहतर होने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि व्यवसाय संबंधित प्रतिबद्धता में आपको बहुत अधिक परेशानी का सामना भी यश में करना पड़ सकता है। दोस्तों यश में आपकी सूझबूझ व फिर उचित फैसला आपकी जो है काफ़ी हद तक समस्या से आपको मुक्त रखेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि दैनिक आय यश में बढ़ने वाली है। आयात निर्यात संबंधी कामों में भी आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में फायदेमंद परिस्थितियां भी बनी हुई है। नए व्यवसाय संबंधी कुछ योजनाएं भी बनेंगी, जिसमें दोस्तों पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग भी रहने वाला है। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आपकी लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि विवाहित जीवन यश में सुखमय व्यतीत होगा। किसी विपरीत लिंगी मित्र से मुलाकात से आपको जो है खुशनुमा यादें भी ताजे होंगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति सहयोगात्मक रवैया आपसे संबंधों को और अधिक मजबूत करेगा। परंतु प्रेम संबंधों में जो है प्रेम संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए एक दूसरे पर विश्वास करना भी इसमें अति आवश्यक होगा। तो दोस्तों अगर आप अपने प्रेम संबंध को मजबूत रखना चाहते हैं तो इसमें विश्वास करना बिल्कुल ना भूलें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि आपकी परेशानियों को पारिवारिक लोग समझेंगे और उचित सहयोग भी आपको यश में देने वाले हैं। अचानक ही किसी निकट संबंधी के आगमन से वातावरण में थोड़ा सा खुशनुमा भी रहेगा। इसके उपरांत ही दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, दोस्तों कार्य के साथ साथ पारिवारिक संबंधों को भी मजबूत बनाकर रखने की आपकी जो कोशिश है यश में कामयाब रहेंगी। विवाह योग्य व्यक्तियों के लिए भी अच्छे रिश्ते की पूरी संभावना बन रही है। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों घर से बाहर अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। लापरवाही की वजह से आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी भी आ सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि गिरने या फिर चोट लगने जैसी स्थिति बन रही है, बहुत अधिक सावधानी रखने की यश में जरूरत होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि अगर यश में वाहन ना चलाएं तो आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे, थकान की वजह से पैरों में दर्द व फिर सूजन की समस्या भी रह सकती है। अपनी देखभाल करने के लिए जो समय है आप जो है अवश्य निकालें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर होने वाले हैं। दोस्तों आपका आत्मविश्वास व सकारात्मक सोच आपको इसमें स्वस्थ भी रखने वाला है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा व्यायाम पर भी अपना ध्यान को जरूर दें, ये आपके लिए स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों जीवन साथी का सहयोग आपके लिए बहुत ही सुकूनदायक रहेगा तथा आपसी संबंधों में भी यश में मधुरता रहेगी। दोस्तों यश में आपको बता दें कि व्यर्थ के प्रेम संबंधों से दूरी बनाकर रखें, ये आपके लिए और आपके लव लाइफ के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, पति पत्नी के संबंधों में मधुरता तो बनी रहेगी, परंतु किसी मित्र की वजह से
घर में कुछ नकारात्मक वातावरण भी बन सकता है। तो दोस्तों इन बात का भी आप ध्यान में रखें। इसके उपरांत दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए, आपके लव लाइफ के लिए, आपको बता दें कि घर में उचित समय ना दे पाना, इनकी वजह से जीवन साथी की नाराजगी भी आपको सहन करनी पड़ सकती है। संबंधों को ठीक करने के लिए उन्हें कुछ जो है उपहार दें तथा मनोरंजन संबंधी प्रोग्राम भी आप अवश्य बनाएं।